हमारा ये जीके का बेटा चैप्टर नंबर सेकंड है, ठीक है? तो इसको बेटा हम अभी रीड करेंगे। सेकंड चैप्टर है बेटा कैपिटल सिटीज। तो हमने कैपिटल सिटीज देख लिया। कैपिटल्स क्या होती है बेटा? राजधानी, है ना? तो बेटा जैसे हमारे हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब की बेटा कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है ना? इस तरह से बेटा ये अलग अलग सिटीज की बेटा कैपिटल्स हैं, उनको हम देखेंगे। फर्स्ट पे है बेटा सबसे पहले भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। जो भुवनेश्वर बेटा सिटी है ना, भुवनेश्वर है वो जो बेटा कैपिटल है, किसकी कैपिटल है? वो उड़ीसा की। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। द सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन उड़ीसा। तो बेटा देखो ये जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में है बेटा ये भुवनेश्वर, है ना? तो भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। जो भुवनेश्वर है वो उड़ीसा का क्या है बेटा? वो कैपिटल है। एंड द सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पल ऑफ सिटी ऑफ इंडिया। तो बेटा इसे किस नाम से जाना जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। टेम्पल्स क्या होते हैं? मंदिर है ना? इस तरह इसलिए बेटा इस देश को किस लिए जाना जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन उड़ीसा। बेटा उड़ीसा में सबसे बड़ा शहर है ये। कौन सा शहर है ये? भुवनेश्वर। नेक्स्ट है बेटा जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो बेटा ये जो जयपुर है, जयपुर किसकी कैपिटल है बेटा? राजस्थान की, ठीक है? राजस्थान की कैपिटल क्या है बेटा? जयपुर। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। तो बेटा इसे किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जयपुर को। जयपुर हैज मैनी ब्यूटिफुल प्लेसेस, टेम्पल्स एंड गार्डन। बेटा जयपुर है, जयपुर बहुत अच्छा शहर है। ये राजस्थान में है, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर में बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस है बेटा। टेम्पल्स है बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स क्या होते हैं? मंदिर है ना? गार्डन्स है इतने अच्छे अच्छे तो बेटा ये जो शहर है जयपुर है, ये देखने लायक है। इस पे काफी सारी बेटा अच्छी अच्छी जगह है। अगर हम बेटा ट्रैवल करने जाते हैं, हम घूमने कहीं पे भी जाते हैं, तो ये जयपुर बेटा सबसे अच्छा शहर है। इसे पिंक सिटी ऑफ द इंडिया भी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा शिलोंग। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। जो शिलोंग है बेटा, ये मेघालय की क्या है बेटा? ये कैपिटल है, ठीक है? दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। तो बेटा ये देखो टूरिस्ट स्पॉट भी है, ये ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मीन्स यहाँ पे पहाड़ है ना? देखने के लिए नदियां, झरने बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये टूरिस्ट बेटा स्पॉट है। और शिलोंग इज वेल नोन एज इट्स वाटरफॉल्स, पार्क्स एंड लेक्स। तो बेटा ये शिलोंग है किस लिए मशहूर है ज्यादा? यहाँ पे वाटरफॉल्स है। ये देखो वाटरफॉल्स दिख रहे हैं ना, पहाड़ों से पानी नीचे गिरता, झरने हैं, लेक्स हैं, नदियां है ना? इसलिए बेटा ये बहुत ज्यादा मशहूर है शिलोंग, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। ये बेंगलुरु है बेटा, ये किसकी कैपिटल है? ये कर्नाटका की। दिस गार्डन सिटी इज ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो बेटा ये एक गार्डन सिटी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इट हैज मैनी फेमस पार्क, म्यूजियम एंड प्लेसेस। तो बेटा यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर, बहुत मशहूर पार्क भी है, म्यूजियम है, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस है ना? तो बेंगलुरु भी बेटा देखने लायक है। नेक्स्ट है बेटा पानाजी इज द कैपिटल ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट, गोवा। तो बेटा ये पानाजी जो है, ये कैपिटल किसकी है? ये गोवा की है बेटा, ठीक है? पानाजी इज द कैपिटल ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिया स्टेट। ये सबसे छोटा जो स्टेट है गोवा का, उसकी बेटा ये कैपिटल है ये पानाजी। एंड दिस ब्यूटीफुल प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स बीचेस, चर्चेस, स्मॉल आइलैंड्स एंड द डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो बेटा ये किस लिए मशहूर है? यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बीचेस है ना? बीचेस है वहां पे, चर्चेस है, बहुत सुंदर आइलैंड्स है। तो बेटा ये गोवा, गोवा की जो है कैपिटल है पानाजी। तो ये भी बेटा बहुत अच्छा घूमने के लिए, टूरिस्ट बेटा इसको भी बोल सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है बेटा? तो ये हम कैपिटल सिटीज आज हमने ये रीड की है, लर्न की है। तो बेटा आपने इनकी सिर्फ कैपिटल्स ही आपने लर्न करनी है। जैसे भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल क्या है बेटा? भुवनेश्वर। ओके, नेक्स्ट है बेटा राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। नेक्स्ट है बेटा मेघालय की कैपिटल क्या है बेटा? शिलोंग। नेक्स्ट है बेटा कर्नाटका की कैपिटल क्या है बेटा? बेंगलुरु। एंड द नेक्स्ट इज गोवा की कैपिटल क्या है बेटा? पाणाजी, ठीक है बेटा? ये कैपिटल्स हमने लर्न करनी है, तो थोड़ा इनको बेटा
इनको बताया गया इनके बारे में, है ना, इन कैपिटल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, क्यों इतनी फेमस है, तो ये भी आपने लर्न करनी है। ओके, तो चलो बेटा अभी हम एक एक करके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एंजल वर्क।